तो मैं समझ गया जो कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपकी एमएससीटी एग्जाम आ गई है। तो एमएससीटी एग्जाम में जो प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो जरूर मिलेगा इस वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल में आपको 35 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से आपको पासिंग के लिए 14 ही चाहिए, लेकिन 35 में से 14 लाना अगर आपके लिए मुश्किल है तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो 14 क्या, हाँ आपको 35 में से 35 भी मिल जाएंगे, ये गारंटी है। साथ ही में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें 15 में से 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आपको लाने रहते हैं फाइनल एग्जाम में, तो ये भी यूजफुल रहेगा। तो एक कंप्लीट डेमो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर में बनना चाहते हैं स्मार्ट और टेक्नोलॉजी की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको सीखनी है तो आपको ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल जो मेरा चैनल है उसको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक करना होगा ताकि जब भी मैं कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर ट्रिक्स का वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं एमएससीईआरटी के ये फाइनल एग्जाम के डेमो की तरफ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली। लेकिन मैं पहला मेरा इंट्रो तो दे दूं। मैं हूं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। चलिए दोस्तों, यहां पे मैं एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम रेडी टू बिगिन इट। और ये जो डेमो है ये 50 मार्क का डेमो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मेरे स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे दिखाई देगा आपको राइट साइड में। मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड में काउंटडाउन टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा है। काउंटडाउन टाइमिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल टाइमिंग आ रहा है 60 मिनट्स। साथ में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रहेंगे 3 लेवल पे। पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि 3 लेवल मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे लो डिफिकल्टी, मीडियम डिफिकल्टी और हाई डिफिकल्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों लेवल पे ऑब्जेक्टिव आपको रहेंगे। पहले लेवल पे 6 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेंगे, दूसरे लेवल पे यहाँ पे 6 रहेंगे और यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अभी जो कि मैं प्रैक्टिस डेमो आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसके अंदर बस लेवल 2 में ही ये प्रैक्टिस डेमो जो MKSL की तरफ से प्रोवाइड होता है हमें, उसमें बस लेवल 2 में ही टोटल 15 क्वेश्चंस दिए गए। हालांकि 15 क्वेश्चंस ही हमें टोटल रहेंगे तीनों लेवल मिलके, लेकिन इसमें क्या किया है, मीडियम डिफिकल्टी में सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के डाल दिए गए हैं। तो यहां से ही हम प्रैक्टिकल मतलब यहां पे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव तो टोटल 15 रहते हैं, ये आपको यहां पे चार्ट में इस तरह से दिखाई देगा। जैसे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते जाएंगे रिमेनिंग में यहां पे ऑब्जेक्टिव कम होते जाएंगे। यहां पे आपको रिमेनिंग चार्ट यहां पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो ये तो मैंने बता दिया ये टेबल में। और प्रैक्टिकल भी देखिए आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पहले लेवल में 15 है, दूसरे लेवल में 14 है और तीसरे लेवल में 6 है। तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सभी प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लेवल 1 के अंदर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेवल 1 के अंदर ये 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसमें से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप और सबमिट कर देंगे वो हाइड हो जाएगा, मतलब दोबारा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, और अगर आप उसे सॉल्व नहीं करते हो तो एज इट इज़ रहेगा। वैसे ही यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, दूसरे लेवल में यहाँ पे 14 प्रैक्टिकल है और तीसरे लेवल में आपको यहाँ पे 6 प्रैक्टिकल मिल रहे हैं। तो इसी तरह का पेपर आपको रहेगा। और यहाँ पे जो ब्लैक दिखाई दे रहा है इसमें आपका कैमरा मतलब लाइव कैमरा जो सामने रहता है स्क्रीन पे वो दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड में आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका फोटो वगैरह जो है ना, आप लर्नर आईडी जो लॉगिन कर रहा है। फिलहाल तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा कोई कैमरा मैंने अटैच नहीं किया, इसको कंपलसरी भी नहीं कैमरा अटैच करना। तो आगे मैं आपको बताऊं कि ये चलो ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, एग्जाम स्टार्ट करना कैसे है, क्या आपको समझ में आया, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपके सामने डेमो कैसे आने वाला है ये तो आपको पता चला। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस कभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव याद है अभी और आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्व कर ले, तो ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कीजिए। आपने 5-6 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं ये मुझे कहना है और ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ये तो क्लियर हो चुका है, अभी कोई भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिक्वेंशियली सभी क्वेश्चन दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ से वहाँ से जंप नहीं करूँगा। तो मैं डायरेक्टली आपको सिक्वेंशियल लेवल 1 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर लेवल 2, लेवल 3 के और फिर ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे लास्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, इन द गिवन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चाहिए तो, इन द गिवन डॉक्यूमेंट अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टाइल टू द थर्ड सेंटेंस। ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया कि वर्ड का क्वेश्चन है ये, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको पता है इस तरह से प्लीज वेट लिख के आएगा और आपको वेट करना है। यहाँ पे एग्जाम में एक बात याद रखनी है कि जब आपको, जब तक आपका क्वेश्चन पूरा ओपन नहीं होता है सामने, तब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करने है। अगर आप एक्स्ट्रा क्लिक करते हो तो पीसी हैंग होने के चांसेस रहते हैं, फिर आपको यहाँ पे एग्जाम स्टॉप हो जाएगा और फिर आपको दोबारा दूसरे बैच के साथ बैठना पड़ेगा, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब यही क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे, क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे आपके, और आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए उसके बाद पीसी हैंग होता है
तो आपको 10 क्वेश्चन के बाद ही आपको मतलब जितने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए वो सेव रहेंगे सर्वर पे, और जैसे आप दोबारा एग्जाम के लिए बैठेंगे एक दो घंटे के बाद आपको स्लॉट अवेलेबल करके देंगे MSIT सेंटर वाले, तो वहाँ पर आपको एक दो घंटे के बाद वहाँ से ही क्वेश्चन आगे करने रहेंगे, नया पेपर आपको नहीं मिलता है, वही पेपर आपको कंटिन्यू करना रहता है, 10 क्वेश्चन आपके सेव रहते हैं दोस्तों। तो लेकिन आपको हैंग नहीं होने देना, हैंग मतलब अभी टेक्निकली कुछ भी रीज़न हो के हैंग हो सकता है, बट आपको खुद से वहाँ पे ज़रा सा पेशन रखना है, क्वेश्चन ओपन होने देना है, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस मतलब अपना जो भी एक्शन से चालू कर देना है, क्लिक करना वगैरह, एक्स्ट्रा एक्शंस अवॉइड करो, मेरा कहना मान लो थोड़ा सा ये। और यहाँ पे क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं दोबारा। इन द गिवन डॉक्यूमेंट अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन स्टाइल टू द थर्ड सेंटेंस, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके अंदर आपको बोल्ड और अंडरलाइन थर्ड सेंटेंस को अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, एक्सप्लेन किया है मैंने। अब थर्ड सेंटेंस है कहाँ पे, यहाँ पे आपको थर्ड सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट करने का तरीका याद रखो, कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं आप ड्रैग करके, ज़्यादातर लोग ड्रैग करने का तरीका पता है, लेकिन माउस यहाँ पे लाओ और लेफ्ट साइड में माउस लाते ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माउस इस तरह से आ रहा है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, तो इस तरह से भी आप कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको थर्ड सेंटेंस रहने दो, सिक्स सेंटेंस रहने दो, आपको दो सेंटेंस एक साथ बोले तो आप कंट्रोल बटन प्रेस करके सिक्स सेंटेंस पर भी इस तरह से क्लिक करोगे, मतलब थर्ड एंड सिक्स सेंटेंस को बोला है तो आप कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं बोला लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेंटेंस सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे लाके कर्सर ये करो, क्लिक करो, और दो सेंटेंस एक साथ सिलेक्ट करने तो कंट्रोल के साथ मतलब कंट्रोल होल्ड डाउन करो कीबोर्ड से और फिर माउस से यहाँ पे क्लिक करो, दो सेंटेंस एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिलहाल तो मेरा ये एक ही सेंटेंस मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अब इसे करना क्या है, बोल्ड और अंडरलाइन। चलिए यहाँ पे बोल्ड आपको दिखाई दे रहा है होम टैब के अंदर, तो होम टैब में यहाँ पे बोल्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और साथ ही में क्या बोला गया है अंडरलाइन पे, तो अंडरलाइन में कोई टाइप्स तो नहीं बोला है, नहीं बोला है फिलहाल तो अंडरलाइन डायरेक्ट बोला है, तो ये क्लिक कर दो, टाइप्स बोला रहेगा तो ये बाजू में जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे दोस्तों, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें जाकर आपको टाइप ढूंढना है उसका, मतलब कभी डॉटेड अंडरलाइन बोला जा सकता है, कभी डैश, तो मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ भी बता रहा हूँ, मैं बस आपको एक बॉक्स की तरह क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक बॉक्स के अंदर मतलब जैसे कि ये क्वेश्चंस का आंसर है तो यही बताऊंगा ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज भी बताता हूँ कि इसके अलावा आपको क्या आ सकता है। तो ये तो प्रैक्टिस पेपर है इसलिए जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एज इट इज आपको आए, थोड़ा सा चेंज होकर आ सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि अंडरलाइन से रिलेटेड आता है, तो अंडरलाइन में यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, फिलहाल तो अंडरलाइन पे क्लिक करो और ये क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट करो। अगर आपको लगता है कि यार मैंने ये करेक्ट नहीं किया है तो कैंसिल कर दो ना, बाद में करो इसे, डोंट वेस्ट योर टाइम, लाइक आपको इसको सबमिट करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप श्योर हो कि मैंने बराबर किया है, बोल्ड किया अंडरलाइन ये बराबर है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं और चेकिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन करके मतलब ही नहीं है दोस्तों, उसके मार्क्स मिलने वाले ही नहीं है, सिंपल सी बात है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द लेफ्ट मार्जिन टू 1 inch, तो वर्ड के अंदर का क्वेश्चन है, लेफ्ट मार्जिन 1 inch करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन के अलावा आपको राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन भी आ सकती है, लेकिन ये मार्जिन आएगा कहाँ से करना है, इसके लिए कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं करना है, ये बात याद रखना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेज लेआउट टैब में जाना है, पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है, मार्जिन में आप क्लिक करोगे, मार्जिन के अंदर आपको यहाँ पे कस्टम मार्जिन ऑप्शन दिखाई देता है लास्ट में, कस्टम मार्जिन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ध्यान रखे, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन ऑप्शन सिलेक्ट करते आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कौन सी मार्जिन आपको चेंज करनी है, आपको टॉप करनी है, लेफ्ट करनी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है टोटली, तो मैं कौन सा करना चाहता हूँ आप देख सकते हैं, मैंने कर्सर कहाँ पे रखा है, लेफ्ट मार्जिन, तो लेफ्ट मार्जिन कितना इक्वेशंस में पड़ी है 1 inch, तो 1 टाइप कीजिए, इंच का साइन है डबल इन्वर्टेड कॉमा, वर्ड दिया नहीं दिया तो भी ऑटोमेटिक वर्ड में आ जाता है, तो आपने 1 खाली टाइप करके ओके किया तो भी चलेगा। अब ये 1 inch मार्जिन लेफ्ट का हो चुका है, अगर आपको राइट का बोला है तो वहाँ से ही कर सकते हैं, आप टॉप का बोला है तो भी वहाँ से कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन पेज लेआउट में अवेलेबल रहता है मार्जिन का, उम्मीद करता हूं ये भी समझा होगा, सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट नेम ऑफ द फोर्थ सेंटेंस टू वर्दना एंड फॉन्ट साइज 10, ये क्वेश्चन हमारा क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर आपको फोर्थ सेंटेंस को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट स्टाइल वर्दाना करना है, फॉन्ट साइज 10 करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए फोर्थ सेंटेंस पे कर्सर रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हो गया क्लिक किया मैंने, आपको दिखाई दे रहा है ओके सेलेक्ट हो चुका है, सेलेक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया। अब वर्दाना फॉन्ट साइज इसका है, चलिए 10 करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉन्ट साइज, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, कई बार आपको फॉन्ट साइज 15 बोला जाता है, कई 17 बोला जाता है, तो यहाँ पे 15-17 तो इस लिस्ट में है नहीं है, तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 17 तो है नहीं है यहाँ से कहाँ से ले, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अभी 10 तो है
फिलहाल तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 15 और 17 बोला है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कीजिए 15 और एंटर कीजिए, कोई बात नहीं है, समझ में आपको, ये सिंपल है। अभी फिलहाल तो 10 मैंने कर दिया। और यहाँ पे बोला है आपको फॉन्ट नेम, यानी फॉन्ट नेम यानी कि ये वाला फॉन्ट स्टाइल भी बोल सकते हैं आप इसको, फॉन्ट नेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आप वर्दाना सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्दाना बहुत नीचे रहेगा, वी में ना अल्फाबेट वाइज आता है, ए बी सी डी ऐसे आएंगे, तो आपको टाइम लगेगा स्क्रॉल करने के लिए, इसलिए वी ई आर टाइप कर दो, स्पेलिंग टाइप करो पूरा दिखाई दे रहा है आपको वैसे, और एंटर बटन प्रेस करो, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस करना है वर्दाना और 10 है कि नहीं है, ऊपर दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये होने के बाद ही आपको क्वेश्चन सबमिट कर देना है। चलिए, 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा स्पीड बोलने का बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये 60 मिनट्स की क्वेश्चन, मतलब 60 मिनट का पेपर है और ये टोटल 50 क्वेश्चन है, तो मैं आपका एग्जाम आया रहेगा तो मैं आपका टाइम तो नहीं ज़ाया करना चाहूँगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं ज़रा स्पीडली ले रहा हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो आपके पास वीडियो में रिवाइंड ऑप्शन है दोस्तों, रिवाइंड करके आप देख लेंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट नेम ऑफ द सेकेंड सेंटेंस टू एरियल, क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट का ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। चेंज द फॉन्ट नेम ऑफ द सेकेंड सेंटेंस टू एरियल, यहाँ पे बोला है, सेकेंड सेंटेंस पे क्लिक कीजिए, फॉन्ट नेम में जाना है, और ये कैसे करना है आपको अभी समझा है, इसीलिए मैं इसे ज़रा क्विकली कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। रीनेम द फाइल पिक 3.jpg टू पिक 3.jpg स्टोर इन इमेजेस फोल्डर, तो आपको करना क्या है, फाइल को रीनेम करना है, ये वर्ड का नहीं, ये विंडोज़ का क्वेश्चन है, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ और रीनेम द फाइल करना है आपको, लेकिन जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस फोल्डर मिल ही नहीं रहा है, और कई बार विंडोज़ का ऐसे ही होता है, फाइनल एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है, तो आपको जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो बताने वाले, वो बोलते हैं कि एक तो राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, अगर ऐसा फोल्डर ओपन हो चुका है राइट क्लिक और रिफ्रेश, या फिर यहाँ पे ध्यान रखो कि फोल्डर नहीं दिखाई दे तो रिफ्रेश ही करना है, या फिर यहाँ पे दूसरे कुछ फोल्डर आ रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन को कैंसिल करना होगा और लास्ट में करना होगा, विंडोज़ के क्वेश्चन ज़्यादातर लास्ट में करेंगे तो ही वो मतलब वो लोड हो पाते हैं या उसके फोल्डर यहाँ पर आ पाते हैं। तो चलिए वो तो आपको एग्जामिनर जो रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन देने वाले जो कंट्रोलर है वो बताएंगे आपको, फिलहाल तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये फोल्डर आ चुका है, रीनेम द फाइल पिक 3, इसके अंदर इमेजेस फोल्डर में जाना है। देखो क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, इमेजेस फोल्डर के अंदर जो पिक 3 फाइल है उसको पिक्चर 3 कीजिए, चलिए इमेजेस फोल्डर में जाते हैं, डबल क्लिक करके उसे ओपन कीजिए। फोल्डर को ओपन करने के लिए अलग अलग तरीके, राइट क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन कई बार जिनका माउस में अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है वो डबल क्लिक करते समय स्लोली डबल क्लिक करते हैं, मतलब एक क्लिक अभी किया एक क्लिक थोड़ी देर में किया, तो ये रीनेम हो जाता है दोस्तों इस तरह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ नोटिस करो कि आपको इस फोल्डर को इस तरह से कभी आने नहीं देना है रीनेम के लिए, बाजू में क्लिक कर दो अगर ऐसा आया तो, इस पर क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए, अगर आपको डबल क्लिक नहीं जम रहा है क्विकली तो क्लिक करके ओपन या राइट क्लिक के ओपन भी चलेगा, आप ओपन करने से मतलब है, तो ऐसा मत होने दो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, फिर से नोटिस कर लो, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है मेरे जो कंप्यूटर क्लासेस में मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस करते समय हमेशा ये गलती कर देते और फिर वो नाम इसी का चेंज कर देते गलती से, फिलहाल तो इसे नहीं रीनेम करना है, ओपन करना है और पिक 3 को पिक्चर 3 करना है। तो जो आपकी गलतियां हैं ये भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में क्या होता है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और टाइम कम होते जा रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा है और हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें गलत गलत करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना है। ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन को कैंसिल करो, दोबारा क्वेश्चन ओपन करो और फिर से स्टेप बाय स्टेप करो, एक्स्ट्रा क्लिक अवॉइड करो, एक्स्ट्रा रॉन्ग चीज़ें मत करो, करो ही मत रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने आधा करेक्ट किया तो आधा मार्क मिलेगा, पूरा करेक्ट करना होगा पूरा मार्क मिलेगा दोस्तों, नहीं तो आधा करेक्ट ये तो अपना नॉर्मल एग्जाम नहीं है ना, जिसमें राइटिंग में आधा करेक्ट किया तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं दोस्तों। तो यहां पे देखिए इसका नाम चेंज करते हैं, अभी राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। रीनेम का तरीका आपको पता रहेगा, F2 बटन प्रेस करके भी रीनेम कर सकते हो, शॉर्टकट की आप बिंदास यूज कर सकते हैं, अगर आपको श्योर है कि आप शॉर्टकट की प्रॉपरली यूज कर सकते हैं तो कर लो। तो यहां पे इसका नाम देना है पिक्चर 3, तो इसमें पी कैपिटल है और पिक्चर 3 मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका टाइपिंग स्लो है तो आप नीचे से क्वेश्चन में से वो पिक्चर 3, अरे मैं 2 क्यों टाइप कर रहा हूँ, पिक्चर 3 और बाजू में क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम करने के बाद बाजू में क्लिक करें, और टाइपिंग स्लो है तो ये नीचे से क्वेश्चन से क्या करना है आपको, इसे कॉपी करना है, कॉपी यहाँ पे आप ये जो है ना कॉपी कर लेंगे जो पिक्चर 3 और यहाँ पे पेश करेंगे। अब एक बात और, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे कई बार एक्सटेंशन शो नहीं होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो यहाँ पे बस क्या रहेगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एक्सटेंशन हाइड कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज में फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू में, इसके अंदर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल, ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल्स, अगर ये ऑप्शन चेक होता है तो ये एक्सटेंशन कई बार आपको शो नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं हो रहा है तो खुद से ऐड किया जाए, नहीं शो हो रहा है तो आपको ऐड नहीं करना है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, बस आपको पिक 3 का पिक्चर 3 करना है, एक्सटेंशन खुद से ऐड करना नहीं है। ये छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझा होगा। मैं फिलहाल इसे सबमिट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ।
कॉपी द फाइल सपोर्ट स्लैश काउंट डॉट टी एक्स टी, मतलब सपोर्ट फोल्डर में से काउंट डॉट टी एक्स टी फाइल कॉपी करो एंड पेस्ट इन टू द फोल्डर सपोर्ट होम। आपको ये फाइल को कॉपी करना है, सपोर्ट होम में इसे पेस्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। और मैंने इसे ओपन कर दिया है, सपोर्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है। उसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है काउंट डॉट टी एक्स टी, तो काउंट डॉट टी एक्स टी तो मैंने अभी एक्सटेंशन हाइड किया तो नहीं दिखाई देगा फिलहाल। राइट क्लिक कीजिए, फिलहाल काउंट फाइल यही है हमारी। राइट क्लिक करने के बाद इसे करना क्या है, कॉपी करना है, तो आप कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको माउस से राइट क्लिक करके दिखाऊंगा। कॉपी किया, होम में जाऊंगा और होम के अंदर इसे पेस्ट करने के लिए बोला गया है। आप नीचे क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं पेस्ट इनटू द सपोर्ट होम, तो इसमें मैंने इसे पेस्ट कर दिया है राइट क्लिक करके। और सिंपली ये राइट क्लिक कॉपी और पेस्ट है, सेव कीजिए और आगे बढ़िए। रीनेम द फाइल इमेज डॉट जे पी जी एज अ ग्राफिक वन डॉट जे पी जी, स्टोर द फोल्डर सपोर्ट होम इंडेक्स ग्राफिक्स। आपको करना है फाइल रीनेम, जो कि है सपोर्ट होम इंडेक्स ग्राफिक्स में। आप देख सकते हैं सपोर्ट होम इंडेक्स ग्राफिक्स में एक फाइल है जो कि इमेज नाम की, उसको हमें ग्राफिक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। इसे ओपन कर लेते पहले। सपोर्ट होम, इसे आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप मैक्सिमाइज कीजिए। इस तरह से इंडेक्स में जाइए, ग्राफिक्स में जाइए और उसके अंदर इमेज नाम की फाइल है, उसे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसे हम लोग रीनेम करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन ऐड करना ही नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन मुझे पहले से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बस ग्राफिक वन लिखूंगा। तो आप ये ग्राफिक वन लिखने के बाद बाजू में क्लिक करो, बाजू में क्लिक करेंगे तो ये नाम एक्सेप्ट होता है, उसी के बाद ही इसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं एग्जाम में और इसे नाम देने के बाद तुरंत सेव करते हैं, नहीं, नाम एक्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए बाजू में क्लिक करो और सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, उसे क्वेश्चन करते समय उस फाइल को ओपन करके रख देते हैं, तो फाइल को बंद किया करो। फाइल मतलब वो इमेज फाइल, मतलब वो इमेज फाइल आपको ओपन करने की जरूरी नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा आगे अगर वो क्वेश्चन आता है दोबारा तो ओपन कैसे होता है। फिलहाल ये देख लो, हाउ विल यू चेंज द मोड ऑफ द कैलकुलेटर टू साइंटिफिक मोड। ये भी विंडोज़ का क्वेश्चन है कि आपके सामने एक कैलकुलेटर आया है, उसमें साइंटिफिक मोड में इसे कैसे करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू में जाओ और यहाँ पे बस साइंटिफिक मोड करना है, इसे एकदम सिंपल है। इसका मार्क्स तो मिलना ही चाहिए आपको, और गारंटेड ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मार्क्स ईजिली मिल ही जाएगा दोस्तों। इवन बाकी के भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है, लेकिन उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और एग्जाम के लिए इसकी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। शो द गिवन वर्कशीट इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये हमारा है अगला क्वेश्चन। तो चलिए मैं जो वर्कशीट है उसको पेज ब्रेक प्रीव्यू में कैसे शो करूँगा, तो इसके लिए करना क्या है, व्यू में जाना है। व्यू में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ ये एक्सेल का क्वेश्चन है और एक्सेल में व्यू से पेज ब्रेक प्रीव्यू आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। हो गया, दैट्स इट, इतना सा ये क्वेश्चन है और इसे सेव कर देना है। अब देखिए इसमें एक्सेल वर्ड के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल हम लोग एक पर्टिकुलर डेमो देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे, वो भी आप चेक करेंगे उम्मीद करता हूँ। फिलहाल आप देखिए ये सेट 75% जूम लेवल फॉर द गिवन वर्कशीट। तो चलिए क्लिक करता हूँ मैं इसे। क्लिक करने के बाद आपको इसका जूमिंग लेवल 75% करना है। व्यू में जाइए, तो करना क्या है इसके लिए, जूम ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है व्यू के अंदर, तो जूम में क्लिक कीजिए और इसको 75% यहाँ पे आप चेक करेंगे, और 75% इस डायलॉग बॉक्स में चेक करने के बाद ओके करना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ गए तो यू मार्क्स मिल जाने वाले हैं आपको दोस्तों। अप्लाई वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन टू द सेल B11, ये भी बहुत सिंपल है। B11 सेल जो दिखाई दे रही है, अभी इसमें एक बात याद रखो कि B11 सेल यहाँ पे सिलेक्ट आपको खुद से करनी होगी पहले। तो यहाँ पे B11 सेल है, मैंने सिलेक्ट कर लिए, नेम बॉक्स में आप देख सकते हैं ऊपर B11 आ चुका है। लेकिन आपको B11 सेल सपोज ढूंढने में दिक्कत हो रही है, बी कॉलम कहाँ पे है उसका 11 सेल, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कंट्रोल जी बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल जी होता है गो टू, और उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं B11। इसमें देखिए मैंने कहाँ पे लिखा है B11, रेफरेंस में आपको B11 लिख देना है और ओके कर देना है। डायरेक्टली उस सेल पे आप जंप हो जाओगे दोस्तों, बस सिलेक्ट करने की इंडिविजुअल जरूरत नहीं। कंफ्यूज अगर होते हो आप तो कंट्रोल जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी यानी गो टू होता है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये सिलेक्ट किया, अब अप्लाई वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन टू दी बी सेल B11। तो उसको B11 को क्या करना है, वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन देना है आपको। तो वर्टिकल टेक्स्ट ओरिएंटेशन यहाँ पे रोटेट ऑप्शन है आपको, और यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल टेक्स्ट आपको देना है। तो यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स इट, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा अगर आपको कुछ आ रहा है तो यहाँ पे देखो, वर्टिकल के अलावा ये भी बता देता हूँ आपको, एंगल क्लॉक वाइज, एंगल काउंटर क्लॉक वाइज, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, ऐसे अलग अलग चीज़ें आ सकती है। फिलहाल तो एक ही देना है और सेव करना है। इन द गिवन प्रेजेंटेशन रिमूव बोल्ड इफेक्ट फ्रॉम द स्लाइड 2 फॉर द टेक्स्ट क्लासरूम रूल्स। तो ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट से, जो कि हमें बोल्ड इफेक्ट रिमूव करना है स्लाइड नंबर 2 से, क्लासरूम रूल्स नाम का एक टेक्स्ट है। तो सिंपल है, स्लाइड नंबर 2 पे जाओ,
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट के स्लाइड्स ओपन हो चुकी है और हमें सेकेंड स्लाइड में जाने के लिए बोला है। और इसमें क्लासरूम जो रूल्स वाला टेक्स्ट है उसके बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया बॉर्डर पे क्लिक करके, और इसका बोल्ड इफेक्ट हटा देना है। बोल्ड इफेक्ट इस तरह से हटाओ, बॉर्डर पे क्लिक करके हटाओ। कई बार क्या होता है कर्सर आप यहाँ पे रखते हो तो फिर क्लासरूम का ही बोल्ड निकल जाता है, रूल्स का रह जाता है, इसलिए बॉर्डर पे क्लिक करो और इसे बोल्ड यहाँ से रिमूव कर देना है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड हाईलाइट नहीं, मतलब बोल्ड मैंने रिमूव कर दिया। आपको बस इतना ही करना है, इस पर रिमूव करने के लिए बोला गया है पावर पॉइंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब वही क्वेश्चंस पे रिपीट, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक स्लाइड एट द एंड। तो क्या करना है आपको, ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में एंडिंग में, तो कर्सर कहाँ पे रखना है ये समझना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको जो छोटे स्लाइड व्यू दिखाई दे रहा है इसे, तो इसे हम स्क्रॉल करके नीचे लास्ट में, पांच नंबर स्लाइड लास्ट है उसके लास्ट में कर्सर रखेंगे और ब्लैंक स्लाइड ऐड करनी है। देखिए यहाँ पे दो बटन रहते हैं, आप ऊपर से अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली एक स्लाइड ऐड हो जाती है जो लास्ट डिफॉल्ट स्लाइड ऐड होती है। फिलहाल मुझे ब्लैंक चाहिए तो ये नीचे वाला बटन में क्लिक करूँगा और इसके अंदर ब्लैंक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये ब्लैंक लेआउट की स्लाइड मैं सिलेक्ट करूँगा। और एक ही बोला है तो एक ही ऐड करूंगा, दो बोला है तो दो ऐड करूंगा, सिंपल सी बात है। सेव कर दो और आगे बढ़ो। अब आ रहा है इंटरनेट का क्वेश्चन जिसमें आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए बोला है, वो है egratings.com। तो चलिए egratings.com ये वेबसाइट विजिट कीजिए। सिंपल है, मैंने आपको बोला कि एक तो आप टाइपिंग फास्ट नहीं है आपका, तो आप सिंपली यहां पे कर्सर रखो और शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करके कीबोर्ड से इसे सेलेक्ट कीजिए और कॉपी बटन पे, मतलब कंट्रोल सी बटन प्रेस कीजिए और फिर इसे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ऊपर दिखाई दे रहा है ये एड्रेस बार, इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। मतलब सिंपली कंट्रोल वी डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो रिमूव हो जाएगा पहले वाला जो कंटेंट है, और यहाँ पे egratings.com ये टेक्स्ट आ रहा है और एंटर बटन प्रेस कीजिए। देखिए आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, कॉपी पेस्ट करते हो तो ये वेबसाइट विजिट होनी चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते समय एक बात याद रखना कि नीचे से आपको स्पेस वगैरह कॉपी नहीं करना है। इसमें www के लेफ्ट साइड में या .com के, कॉम के बाजू, एम के जो में स्पेस है तो उसे अगर आप सिलेक्ट करते हो कॉपी हो जाता है, और यहाँ पे स्पेस देके आप एंटर करते हो यहाँ पे स्पेस आ जाता है, गलती से मैं दिखाता हूँ, और एंटर करते हो तो ये वेबसाइट विजिट होने वाली नहीं है, फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर लो, स्पेस वगैरह कॉपी नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है www.google.com एंड सर्च सॉन्ग्स विद ऑप्शन आई एम फीलिंग लकी। आपको करना है गूगल वेबसाइट विजिट और उसके अंदर सॉन्ग्स ये करना है, सर्च करना है और आई एम फीलिंग लकी से सर्च करना है। तो चलिए google.com वेबसाइट, तो मैं टाइप ही कर देता हूँ। चलो मेरा टाइपिंग भी ठीक है तो इसलिए मैं टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पे www.google.com और मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। और उसके बाद मुझे सॉन्ग्स यहाँ पे चाहिए और सॉन्ग्स देखिए एस कैपिटल चाहिए, सॉन्ग्स में एस कैपिटल दिया है तो वही करो जो दिया है। और आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करना है, गूगल सर्च पे नहीं करना है। आई एम फीलिंग लकी से बोला है तो यहाँ पे क्लिक करो, और ये गूगल अपना गूगल नहीं, बाकी कुछ सर्च करते मत बैठो नहीं तो आपका आदत पड़ यार चलो गूगल आ गया कुछ और करते हैं, नहीं ये बस एक फ्लैश बेस्ड क्वेश्चन है, इसे इतना ही कर लो, आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। और आगे बढ़ो, आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक किया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेव। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल का लेवल वन दोस्तों। उम्मीद का तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझे होंगे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट अगर लग रहा है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट नीचे वीडियो के नीचे स्क्रॉल करके आप देखेंगे वहाँ पे कमेंट लिखेंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे वीडियो के एक लाइक दे दो यार, लाइक क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है वो है लेवल टू के प्रैक्टिकल्स। अभी इसमें आप देख सकते हैं इन द गिवन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर टू पर्पल, ओके ये क्वेश्चन है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको राइट साइड में दिखाता हूँ टेबल में, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 15, तो यहाँ पे टेबल में दिखाई दे रहा है 15 जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके, रिमेनिंग में 0 दिख रहा है लेवल 1 का, है ना। अब लेवल 2 के ले रहे हैं हम लोग, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जाकर पेज बैकग्राउंड को पर्पल कलर करना है। तो मैं आपको ये बताऊं कि वर्ड के अंदर पेज बैकग्राउंड पर्पल के अलावा आपको और भी चीज़ें आती है और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पेज बैकग्राउंड करना कहाँ से, उसके लिए जाना डिज़ाइन टैब में, ज़रा नोटिस कीजिए यहाँ पे डिज़ाइन टैब अवेलेबल है जिसके अंदर पेज कलर ऑप्शंस मिल रहा है, और पेज कलर के अंदर यहाँ पे पेज बैकग्राउंड ऑप्शन मिल रहा है पर्पल कलर आपको बोला है। फिलहाल ये पर्पल कलर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे कलर में एक बात याद रखना है कि आपको कलर खुद से डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पे माउस रखना है उसका नाम आ जाता है। कभी कभी आपका मॉनिटर का रिजोल्यूशन या कलर जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम ज़्यादा रहता है तो आपको कलर अलग दिखते हैं वहाँ पे, तो आपको माउस रख देना है। लाइट ग्रीन बोला है तो उसके ऊपर माउस रखो, नहीं तो यहाँ से लाइट ग्रीन कुछ लोग पिक करते हैं और गलत हो जाता है। फिलहाल जो बोला है उसके ऊपर माउस रखो, नाम आ रहा है फिर नाम आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करो,
इस तरह से नाम के ऊपर, यहाँ पे पर्पल बोला है तो पर्पल, लेकिन पेज बैकग्राउंड में खाली पर्पल ही नहीं आता है, कभी कभी टेक्स्चर्स आता है, तो मैं आपको वो भी दिखा के रखता हूँ। पेज कलर में जाओ, फिलिपिक्स में जाओ, फिलिपिक्स के अंदर यहाँ पे टेक्स्चर्स ऑप्शन है, जिसमें से आपको टेक्स्चर अप्लाई करने के लिए आता है, स्टेशनरी टेक्स्चर अप्लाई करो या बाकी सारी चीज़ें आती है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बस पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल ये मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया दोस्तों। सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बोला था कि स्टेशनरी बैकग्राउंड आ सकता है और वो आ ही गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, अप्लाई स्टेशनरी टेक्सचर बैकग्राउंड टू द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट, इंसर्ट हेडर एंड हेडर क्या इंसर्ट करना है, फूटर भी इंसर्ट करना है इन द गिवन डॉक्यूमेंट, इंट्रोडक्शन एज अ हेडर एंड थैंक यू एज अ फूटर, ये ऐड करना है। चलिए, ये क्वेश्चन तो मैं करके दिखा तो आपको कैसे करना है, और ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पे इसे करना क्या है, सबसे पहले आपको मैंने बोला कि डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन टैब आपको दिखाई दे रहा है, पेज कलर में जाओगे, और जैसे कि मैंने आपको बोला फिलिपिक्स, यहाँ पे राइट साइड में फिलिपिक्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बॉटम में क्लिक कीजिए, उसके ऊपर टेक्स्चर्स में जाइए, टेक्स्चर्स के अंदर यहाँ पे स्टेशनरी मिल रहा है, और स्टेशनरी के अलावा भी अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम आ रहा है, दिखाई दे रहा है, रिसाइकल पेपर एंड ऑल आ रहा है, तो फिलहाल तो स्टेशनरी है, तो ओके कीजिए। अब उन्होंने बोला इंसर्ट हेडर एंड फुटर एंड इंट्रोडक्शन एज अ टेक्स्ट इन द हेडर, तो मुझे करना क्या है, आई विल डू वन थिंग, इंसर्ट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हेडर में क्लिक करना है दोस्तों, और हेडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर देना है। फुटर के लिए फुटर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हेडर लेते ही नीचे आप देखेंगे तो फुटर के लिए भी कंटेंट आ चुका है, और वो कैसे जाना है वहाँ पे बता देता हूँ। फिलहाल इंट्रोडक्शन जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है वो आपको देखना है, आई कैपिटल है तो आई कैपिटल रख के मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन मैंने टाइप कर दिया, आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि तरीका मैंने आपको बताया है। तो इंट्रोडक्शन मैंने हेडर में लिख दिया, फुटर में क्या करना है, गो टू द फुटर, चलिए गो टू द फुटर, और यहाँ पे फुटर में क्या करना है, फुटर में लिखना है आपको थैंक यू, ओके थैंक यू लिख दिया, और क्लोज हेडर एंड फुटर, ये मत भूलो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, ये क्लोज हेडर एंड फुटर नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैंने बोला आपको आधा क्वेश्चन आधा मार्क्स, ऐसे नहीं होता है आधा क्वेश्चन आधा मार्क्स बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ये सब ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और ऑटोमेटिक चेक होता है, तो पूरा क्वेश्चन मतलब ये अगर चेक मतलब ये सिंगल क्लिक रहता है तो आपके मार्क्स चले गए, तो मैं इसे क्लोज एंड हेडर एंड फुटर करूँगा और सेव कर दूँगा। तो ये इस तरह से करते हैं, उम्मीद का तो आपको ये भी समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल ऐड करना है हमें, थ्री रोज और थ्री कॉलम्स का, और टेबल के जो सेकंड सेल का मतलब सेकंड सेल है उसमें कलर चेंज करना है, सेकंड सेल फर्स्ट रो का, तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करने के लिए लेता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चंस है कि ऐड द इंसर्ट अ टेबल, तो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल आपको कहाँ पे ऐड करना है ये तो नहीं बोला गया, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कर्सर आप ऊपर मत रखो, कर्सर लास्ट में रख दो बॉटम में ऐसा, और बॉटम में रख के ही टेबल ऐड करो, क्योंकि ऊपर रखेंगे तो ये कंटेंट भी टेबल में आ जाते हैं सारे के सारे, तो मुझे कर्सर तो यहाँ पे रखना है नीचे, डबल क्लिक करके रख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो, सिंगल क्लिक से आ रहा है मेरा यहाँ पे, बॉटम में कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंसर्ट में जाइए, टेबल ऐड करने के लिए बोला है, इंसर्ट अ टेबल ऑफ थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आपका परफेक्ट इंसर्शन है, आपको लगता है ऊपर का थ्री रोज और थ्री कॉलम पता चल रहा है, या फिर इसके अलावा ये भी ऑप्शन आपके पास, क्या नाम है यहाँ पे पढ़िए, इंसर्ट टेबल है जो पूछा है क्वेश्चन में वही है भाई, यहाँ पे तीन कॉलम और तीन रोज बोला है तो वही लेता हूँ, कभी कभी आपको याद रखना है कि एट कॉलम्स बोला है तो एट कॉलम्स कर लो, फोर कॉलम्स बोला है तो फोर कॉलम्स, ऊपर कॉलम्स आते हैं पहले और नीचे रो आते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है कि आपको क्या कितने रोज और कितने कॉलम्स बोले, ओके करो, टेबल तो आ चुका है। अब करना क्या है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है हमारा, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो की जो सेकंड सेल है, लुक एट हियर इन द क्वेश्चन नाउ, सेकंड सेल ऑफ द फर्स्ट रो ऑरेंज करना है, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सेकंड सेल ये वाली सेल मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, कलर चेंज करना है, कौन सा कलर देना है, ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर कहाँ से देते हैं, डिज़ाइन में शेडिंग आपको मिल रहा है और यहाँ से आपको ऑरेंज कलर मिल रहा है, ऑरेंज कलर आपको मैंने बोला कौन सा सिलेक्ट करना है, जो नाम आ रहा है वही वाला, इसमें नाम ऑरेंज कलर आता है, माउस रखेंगे नाम आ रहा है ऑरेंज कलर, और ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिलीट द फोल्डर इन्वायरमेंट स्टोर इनसाइड द सपोर्ट फोल्डर, आपको इन्वायरमेंट फोल्डर डिलीट कर देना है, ये विंडोज़ का क्वेश्चन है और सपोर्ट फोल्डर के अंदर वो स्टोर है, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, सपोर्ट फोल्डर दिखाई दे रहा है ओपन कर लो, इन्वायरमेंट फोल्डर दिखाई दे रहा है इसे डिलीट करना है। अब इसे सिंपली मुझे डिलीट ही बोला है तो मैं राइट क्लिक करके इसे डिलीट करूँगा या कीबोर्ड से डिलीट बटन सिंपली प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको परमानेंटली डिलीट बोला है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करना है दोस्तों, परमानेंट शिफ्ट और डिलीट, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंट
सडनली डिलीट दिस फोल्ड, और नहीं 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 फिर मन लीड तो नहीं करना है फिलहाल, लेकिन बोला है तो यस करना है। राइट क्लिक करो, फिलहाल डिलीट बोला है, और इन्वायरमेंट फोल्डर को आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। और विंडोज़ के सेपरेटली क्वेश्चन का वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों, मतलब जिसमें विंडोज़ के पूरे पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आप देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ। जैसे मैं वर्ड के भी बना रहा हूँ, एक्सेल के भी बना रहा हूँ, तो कौन कौन से क्वेश्चन और आ सकते हैं इसके अलावा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन है, वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखेंगे मेरे चैनल पर, चेक करेंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आपको 35 out of 35 मार्क्स लाने तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सारे वीडियोस तो देखने पड़ेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों, और फिर जरूर 35 out of 35 आएंगे। लेकिन वो मार्क्स कितने आएंगे वो मुझे आप जरूर एग्जाम होने के बाद मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके मार्क्स देखे मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ कि यार मेरा जो काम है किसी को पसंद आ रहा है और उसकी वजह से किसी का फायदा तो हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगी आपको लिखने क्या, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में आके लिख दो दोस्तों, मैं जरूर देखूंगा। फिलहाल यहां पे आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने बातें बहुत कर ली, इसे सेव करके हम आगे बढ़ते हैं। अभी चेंज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल tree.jpg प्रेजेंट इन द सपोर्ट फोल्डर एंड मेक इट रीड ओनली। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और tree.jpg फाइल को क्या करना है, रीड ओनली करना है। सपोर्ट में जाइए, ट्री फाइल को राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे रीड ओनली बोला है, कभी कभी हिडन भी बोला जा सकता है, आपको जूम करके दिखा देते हैं हम। हिडन है तो हिडन कीजिए, रीड ओनली बोला है तो रीड ओनली कीजिए, जो है वही कीजिए उसी के मार्क्स से। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट फ्रॉम द कॉलम चार्ट टू बार चार्ट, अप्लाई एनी स्टाइल फ्रॉम द कस्टर बार चार्ट। तो आपको करना क्या है, इसमें एक्सेल की स्प्रेडशीट में एक चार्ट दिया है जिसका कॉलम चार्ट है, उसको आपको बार चार्ट क्रिएट करना है और कस्टर बार चार्ट ये स्टाइल अप्लाई करनी है। लेकिन चार्ट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन उन्होंने बोला चार्ट शीट में, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे ज़रा नोटिस कीजिए, अगर आपको शीट्स पता है कहाँ पे आती है तो यहाँ पे चार्ट नाम की शीट्स आ रही है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस चार्ट पे क्लिक किया, ऑलरेडी तो क्लिक ही होता है, सिलेक्ट ही होता है। यहाँ पे हमें डिज़ाइन टाइप मिलता है और उसमें हमें चेंज ऑप्शंस मिल जाता है, चेंज चार्ट टाइप। तो चेंज चार्ट टाइप क्या करता है, चेंज चार्ट टाइप पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें हमें चार्ट चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। हमें चाहिए बार चार्ट, यू नो बार, बार मतलब ये बार चार्ट वाला बार है दोस्तों, जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं वो वाला बार नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, तो ये बार सिलेक्ट करता हूँ मैं, और कौन सा लेना है, कस्टर बार चार्ट बोला है, तो यहाँ पे माउस लेके आओ ऊपर, देखो कस्टर बार चार्ट पहले ही है, तो फिलहाल ये तो सिलेक्ट है, डिफॉल्ट यही है। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ बोला रहता है, स्टैक बार चार्ट 100% स्टैक वगैरह, तो ये ऊपर 3D कस्टर वगैरह बाकी सब है, फिलहाल तो नॉर्मल कस्टर बोला है, और इसी को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके करेंगे। दैट्स इट, इतना ही करना है इसके अंदर, और आगे बढ़ना है दोस्तों। अभी इन द गिवन स्प्रेडशीट चेंज द चार्ट, अगेन वही क्वेश्चन है, फ्रॉम पाई चार्ट टू कॉलम चार्ट, अप्लाई डिफॉल्ट चार्ट स्टाइल। चलिए करते थे इसको फटाक से, चलिए यहाँ पे आ चुके, ये है हमारा पाई चार्ट, इस पर क्लिक कीजिए। पाई चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट शीट में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है। डिज़ाइन में जाएंगे इसके लिए, लेकिन चार्ट टाइप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हमें इसे कॉलम चार्ट लेना है, और कॉलम में जो डिफॉल्ट मतलब पहला स्टाइल रहता है वही लेना है, और उसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दिया और इसे सेव कर दिया, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। इन द गिवन स्प्रेडशीट अप्लाई एसेंस टू सेल स्टाइल टू द सेल रेंज A2 to G2। तो A2 to G2 ऑलरेडी सिलेक्टेड ही आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड है, फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपने यहाँ वहाँ क्लिक किया सिलेक्शन निकल गया तो A2 to G2 आप तो एक ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, अगर आपको सिलेक्शन में कंफ्यूजन नज़र आता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो कलर्स दिए रहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह, इसलिए तो Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए और A2:G2, अगर आपको परफेक्टली सिलेक्ट करना है तो आप इस Ctrl+G बॉक्स में, आपको यहाँ पे मैं मिडल में लेके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है A2:G2, इस तरह से लिखिए, कैपिटल स्मॉल भी चलेगा, ओके कीजिए, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ बस Ctrl+G, पहले भी मैंने बताया था आपको, कोई एक पर्टिकुलर सेल में जंप करने के लिए आप Ctrl+G यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये हो गया, इसमें सेल स्टाइल चेंज करनी है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देता है सेल स्टाइल ऑप्शन, और इसमें असेंट टू बोला है, असेंट टू का कोई परसेंटेज नहीं बोला है फिलहाल, तो मैं असेंट टू डायरेक्ट देता हूँ। कोई परसेंटेज है तो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज वाले ऑप्शंस यहाँ पे है, असेंट टू असेंट थ्री कुछ भी बोला जा सकता है, जो बोला है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो उसके मार्क्स तो आपको मिलने ही हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता उसके मार्क्स लेने से दोस्तों। यहाँ पे देखो, यूज रिप्लेस ऑल ऑप्शंस टू रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ टेक्स्ट B.A with BA।
तो आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है बी डॉट ए डॉट की जगह बी ए, तो करना क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को ओपन कर देते हैं और कंट्रोल एच बटन प्रेस करेंगे रिप्लेस के लिए, शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं या फाइंड में से ये रिप्लेस ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, रिप्लेस ऑप्शंस यहाँ पे लीजिए और उसके अंदर ऊपर कर्सर रख दीजिए, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, कर्सर दिखता नहीं है कई बार, तो यहाँ पे बी डॉट ए डॉट लिख देता हूँ और नीचे कर्सर लिख के इस तरह से बी ए रख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है नीचे कर्सर मैंने रखा बी ए लिखा, और रिप्लेस ऑल कर देना है, रिप्लेस ऑल डन, वी मेड टू रिप्लेसमेंट, ओके दैट्स इट, जितने भी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, और इसे क्लोज कर दीजिए इस डायलॉग बॉक्स को और इसे सेव कीजिए। अब ये है 10 नंबर का क्वेश्चन लेवल 2 में, और इसमें है इंसर्ट वन न्यू स्लाइड एंड हाइड द सेकंड स्लाइड इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बहुत ही सिंपल है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, नई स्लाइड यहाँ पे एक इंसर्ट करते कैसे है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको कौन सी स्लाइड बोली है, ब्लैंक स्लाइड बोली है या कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आप न्यू स्लाइड यहाँ से नहीं इंसर्ट करेंगे, अगर आपको कोई लेआउट बोला है तो इसमें से जाओ दोस्तों, जैसे मैंने पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करनी है, आपको टू कंटेंट वाली बोली है, कंपेरिजन वाली, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड कौन सी बोली है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते, लेकिन कोई भी नहीं बोला है सो डोंट वरी, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको वन बोलिए, टू बोले, थ्री बोले, कभी कभी एट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो जितनी बोले उतने इंसर्ट करो, तो टोटल हो जाएंगी टू स्लाइड्स, मतलब पहली एक दूसरी एक, आपको बोले सिक्स स्लाइड इंसर्ट करो तो आपकी टोटल स्लाइड सेवन हो जाएगी, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट स्लाइड पहले से रहती है पावर पॉइंट में, ओके ये बात क्लियर है, तो चलिए मैंने स्लाइड इंसर्ट कर दी इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड क्या बोला आगे, हाइड द सेकेंड स्लाइड फ्रॉम द गिवन प्रेजेंटेशन, और ये सेकेंड स्लाइड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसे हाइड कीजिए, हाइड ये वर्ड की जगह मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे राइट तो हाइड ऑप्शन आपको आ रहा है, ये पहले कर देते हैं, हाइड कर दिया, हाइड करने के बाद यहाँ पे बस कुछ चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये दो के ऊपर इस तरह से क्रॉस नजर आएगा, और इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, इंसर्ट फाइव न्यू स्लाइड्स इन द गिवन पॉइंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हाइड द सिक्स स्लाइड्स, हाइड नहीं, एक्सक्लूड द सिक्स स्लाइड्स फ्रॉम द गिवन प्रेजेंटेशन वाइल रनिंग द स्लाइड शो, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, एक्सक्लूड द सिक्स स्लाइड फ्रॉम द गिवन, एक्सक्लूड मतलब इंक्लूड के अपोजिट, इंक्लूड मतलब ऐड करना है और एक्सक्लूड मतलब रिमूव करना, तो जो प्रेजेंटेशन में से डिलीट नहीं करनी उसे, बस उसे हाइड करनी है, जब मैं प्रेजेंटेशन रन करूंगा तब वो दिखनी नहीं चाहिए, वाइल रनिंग द स्लाइड शो, क्वेश्चन आगे दिया रहता है राइट, तो इस क्वेश्चन में ये समझना है कि आपको हाइड ही बोला है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया रहता है, एक्सक्लूड द सिक्स स्लाइड फ्रॉम द गिवन प्रेजेंटेशन वाइल रनिंग द स्लाइड शो, अरे सिंपल है ना भाई, उसको हाइड तो करना है, इतना ही बोला है, लेकिन उन्होंने घुमा फिरा के इतनी सारी चीज़ें पूछी है आपको, बस हाइड करना है, क्लियर है ये, चलिए ये तो कर लिया आपने, हाइड कैसे करना है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन समझा होगा ये वाला, अब यहाँ पे देखते हैं इंसर्ट एडिशनल फोर स्लाइड्स इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हाइड द सेकेंड स्लाइड, इसमें भी हाइड द सेकेंड स्लाइड वाइल रनिंग द स्लाइड शो, ये जो है हाइड द सेकेंड स्लाइड स्लाइड नंबर टू वाइल रनिंग द स्लाइड शो, मतलब स्लाइड शो चलते समय वो दिखनी नहीं चाहिए, बस इतना ही करना है, तो चलिए वही क्वेश्चन अभी मैंने आपको जैसे बोला था वही आ रहा है, तो मुझे इसमें चार स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो कोई स्लाइड का लेआउट नहीं बोला है, तो मैं डायरेक्टली मैंने आपको बोला ऊपर वाला बटन है, इसमें दो बटन है, उसमें ऊपर वाले बटन पे एक दो तीन चार बार क्लिक करूंगा, टोटल पांच स्लाइड होनी चाहिए, पहले एक पकड़ के, और कौन सी स्लाइड बोला है, सेकेंड स्लाइड, तो सेकेंड स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिए और दोबारा हाइड कीजिए, जो कि हाइड करने के लिए बोला गया है, आगे का वाइल रनिंग द स्लाइड शो का मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया, और सेव कीजिए, फिलहाल यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वन मोर ब्लैंक स्लाइड इन द गिवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड हाइड स्लाइड, यार हाइड के क्वेश्चन दिए इसमें, बस हाइड करने के अलावा कुछ और दिया ही नहीं, ठीक है राइट क्लिक कीजिए, इसको वन मोर स्लाइड ऐड करो, पहले ब्लैंक स्लाइड न्यू स्लाइड में जाइए, और ब्लैंक बोला इस बार तो ब्लैंक स्लाइड यहाँ से ऐड करना है दोस्तों, चलिए ब्लैंक स्लाइड ऐड किया, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड स्लाइड ये ऑप्शंस पे क्लिक करके हाइड कीजिए, कौन सी स्लाइड हाइड करने के लिए बोली, ओह आई एम रॉन्ग यस, आपने देखा नहीं, आपने बताया भी नहीं मुझे, मुझे फर्स्ट स्लाइड हाइड करने के लिए बोला, सेकेंड नहीं दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये बात नोटिस करनी है, मैंने जल्दबाजी में ऐड कर दी, होता है कभी कभी यार, इंसान हूँ मशीन नहीं हूँ, आप समझ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना जो मैंने की यार, मुझे एग्जाम नहीं देनी, मुझे बस आपको समझाना है, आपको एक्चुअली एग्जाम देना है, आपसे जो गलती हो सकती है पॉसिबिलिटीज वो मेरे से भी होती है, लेकिन आप जरा एग्जाम में कॉन्सियस रहो और एग्जाम दो, फिलहाल मेरा जरा ध्यान हट गया था इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन अब ये आगे देखते हैं, हाउ विल यू लॉग आउट फ्रॉम द गिवन वेब पेज, कैसे लॉग आउट करेंगे हम इस वेब पेज में, लॉग आउट करना है बस, यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन दिखाई दे रहा है और लॉग आउट कर दो बस खत्म, इसमें कुछ ज़्यादा करने की बात है क्या, नहीं है, कभी लॉग इन बोला है तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करो और आईडी वगैरह डालने के लिए बोला है तो आईडी और पासवर्ड आप डाल के लॉग इन या साइन इन कर सकते हैं। इंटरनेट का आगे का क्वेश्चन है, यू हैव एडेड ऑनलाइन बुक्स इन लिंक्स इन फेवरेट लिस्ट,
नाउ यू वॉन्ट टू डिलीट द सेम लिंक, अगर आपको फेवरेट में जो बुक लिंक ऐड की है वो डिलीट करना है तो कैसे करोगे, यही पूछा है, मेनू बार से कैसे करोगे आप उसे। तो आपको जाना कहाँ पे, फेवरेट्स में जाना है, फेवरेट्स में ऑर्गेनाइज फेवरेट, ये ऑप्शन है, ज़रा ब्लर दिख रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेकिन ऑर्गेनाइज फेवरेट उसका नाम है। ऑनलाइन बुक्स ये लिंक दिखाई दे रहा है आपको, और इसी को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, बस यहाँ पे इस लिंक को डिलीट करने के लिए बोला है, जो बोला है वो करिए, बस उसी के मार्क्स है भैया, डिलीट कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं, डिलीट हो गया देखिए यहाँ से, और क्लोज करके इसे सेव करते हैं। अब है हमारा लेवल 3 के 6 क्वेश्चन, जो आखिरी 6 क्वेश्चन बाकी है, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए यार, और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप पढ़ रहे दोस्तों को भी फ़ायदा होने दो, ये फ्री में है तो सबका फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, लोकेट माई एल्बम डॉट आर ए आर फाइल इन द गिवन फोल्डर एंड यूजिंग सेंड टू ऑप्शंस सेंड दिस फाइल टू द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। तो आपको क्या करना है, इस फाइल को सिलेक्ट करना है, लोकेट मतलब सिलेक्ट करो। तो चलिए सपोर्ट में जाओ, एल्बम्स में जाओ और माय एल्बम फाइल दिखाई दे रहा है, ये आरएआर फाइल है, ये इस तरह से आता है, अलग अलग आइकॉन अलग अलग तरीके से दिखते हैं, मेरे पास पावर आयो से इंस्टॉल है इसलिए इस तरह से इसका आइकॉन आ रहा है। फिलहाल ये माय एल्बम फाइल है और डॉट आरएआर इसलिए है क्योंकि इसका एक्सटेंशन आरएआर है, विनरार है, और विनरार यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने एक्सटेंशन हाइड किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसलिए। तो राइट क्लिक कीजिए फिलहाल इस फाइल को और सेंड टू करके उन्होंने बोला है इसे डॉक्यूमेंट में सेंड करना है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, और चलिए ये डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन में मैं क्लिक करके इसे सेंड कर देता हूँ, इसके मार्क्स मिलने वाले क्लियरली। अब बढ़ते हैं आगे, जो 5 क्वेश्चंस हमारे बाकी है, अब हो गया दोस्तों आपने बहुत सबर रखा है, काफ़ी देर से ये क्वेश्चंस पेपर चालू है, अब थोड़ा सा और सबर और ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, आप देखेंगे क्या क्या है इसमें अभी और 4 क्वेश्चन में। इन द गिवन स्प्रेडशीट यूज अप्रोप्रिएट फंक्शन टू शो टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन द सेल रेंज K4 to K13। तो चलिए आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स निकालना है, एक अप्रोप्रिएट फंक्शन निकाल के, कौन सा फंक्शन आप यूज़ करते हैं टोटल के लिए, हमें पता है हम टोटल के लिए ऑटो सम ही यूज़ करते हैं, तो ऑटो सम फंक्शन यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं और इसे हम डबल क्लिक करेंगे क्योंकि K3 से लेकर K14 तक ये आंसर आना चाहिए, तो K3 में हमने आंसर निकाला और K14 तक ये आ चुका है, आप इसे अल्ट इज इक्वल टू करके भी कर सकते हैं दोस्तों अगर शॉर्टकट की आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन स्प्रेडशीट मैक्सिमम फंक्शन यूज़ करो और E15 के अंदर E4 से लेकर E13 के जो मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स है वो निकाल लो। तो मैंने हिंदी में डायरेक्टली पढ़ लिया क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशंस आपको करना क्या है, E4 से लेकर, E4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए, E4 से लेकर E13 तक जो मार्क्स है इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स है वो E15 में निकालना है। तो E15 कहाँ पे, आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में E15 सिंपली टाइप कर देना है। आपको मैं बता देता हूँ अगर कोई भी सेल पे जंप करना है तो, और एक ऑप्शन मैं बताना भूल गया आपको, E15 आप यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर करोगे तो उस सेल में जंप होता है, कहाँ पे टाइप करना है, इस नेम बॉक्स में आ गए आप यहाँ पे, तो इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो यहाँ पे ऑटो सम के अंदर यहाँ पे मैक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है और मैक्स ऑप्शन लेके या मैक्स फॉर्मूला आप टाइप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, और E4 से E15 या से जो भी है E4 से E13 सिलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका मैक्सिमम मार्क्स आ चुका है और उसके मार्क्स आपको भी मिलेंगे, मतलब एक ही मार्क्स मिलेगा आपको, मैक्सिमम एक ही मार्क्स रहेगा उस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। इन द गिवन स्प्रेडशीट इंसर्ट हाइपरलिंक टू द हेडिंग, हाइपरलिंक ऐड करना है, मैजिक कैफे एक हेडिंग है उसके लिए मैजिक कैफे डॉट कॉम की हाइपरलिंक ऐड करो। तो चलिए इस मैजिक कैफे हेडिंग को मैजिक कैफे डॉट कॉम के हाइपरलिंक हेडिंग कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे मैजिक कैफे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाइपरलिंक अप्लाई करने के लिए इंसर्ट ऑप्शंस दिखाई दे रहा है ऊपर, इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक ऑप्शन मिल जाता है, हाइपरलिंक ऑप्शन यहाँ पे ज़रा जूम करके देखते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर आपको ये HTTP मैजिक कैफे जो है सिलेक्ट कर लेना, नीचे से आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते, कर्सर रखिए, शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करके ऐसे सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट, और मेरा काम हो गया है, ओके करेंगे यहाँ पे लिंक अप्लाई हो चुका है, फिलहाल उस लिंक को ओपन नहीं करना है, बस अप्लाई करना है। कॉपी स्लाइड नंबर 8 एंड पेस्ट इट इन टू द न्यू स्लाइड एट द एंड ऑफ गिवन प्रेजेंटेशन, स्लाइड नंबर 8 को कॉपी करना है और उसे पेस्ट करना है एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो करना क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी स्लाइड नंबर 8, चलिए यहाँ पे स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ पे है स्लाइड नंबर 8, नीचे आ गया हम लोग, ये है स्लाइड नंबर 8, इसे सिलेक्ट कीजिए आप, नीचे कर्सर आ रहा है बार बार, इसे सिलेक्ट कीजिए आप 8 नंबर को, राइट क्लिक कीजिए और इसे क्या करना है, कॉपी ऑप्शन सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप Ctrl+C यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद कर्सर नीचे रखिए और Ctrl+V बटन प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन बोला है ना, तो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैंने ऐड कर दिया उसको। और हमारा है लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लॉगिन करने के लिए बोला है, ईमेल आईडी दिया है mymail@hotmail.com पे और पासवर्ड भी दिया है और इसे आपको लॉगिन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉगिन के लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली सबसे पहले ये mymail जो है इसे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद ऊपर मेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ईमेल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें पेस्ट कर देना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही पासवर्ड आप सिलेक्ट करोगे इस तरह से, एक रह गया ओके, कॉपी माउस से मैंने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से करेंगे तो भी चलता है,
है, कर्सर रखे वहाँ पे शिफ्ट और ये प्रेस करके, और ये दोनों होने के बाद आपको साइन इन करना है और दैट्स इट। मेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस सेव कर दो। और ये हो गए हमारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन। वाओ हो गया, इंटरेस्टिंग, आपने एंड तक देखा। अभी हमारे पास 16 मिनट बाकी है और 15 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बाकी है। अभी देखो मुझे इतना टाइम लगा है, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लगा दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो 16 मिनट में अभी मुझे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने ऑब्जेक्टिव लास्ट में रखे आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव पहले भी कर सकते हैं। अब हमारी ऑब्जेक्टिव की बारी, ऑब्जेक्टिव पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डैश सूट्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू मेक कंप्यूटिंग ईजियर एंड सेफर। तो इसमें कौन सा सूट है जो कंप्यूटर को ईजी और मतलब आपको कंप्यूटर डिजाइन जो होता है ईजीली होता है? तो इसके लिए हमारा आंसर है यहाँ पे यूटिलिटी, और यूटिलिटी सूट जो होता है ईजियर और सिंपल बना देता है, और उसे क्लिक करके हमें सबमिट कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस और मैलिशियस प्रोग्राम्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस क्या रहता है दोस्तों? एंटीवायरस तो यूटिलिटी रहता है, ये आपको पता रहेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह नहीं रहता है, तो मैं इसे यूटिलिटीज करके इसे सबमिट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड डिस्कस टॉपिक्स विथ ईच अदर, विच वेबसाइट्स यू रिफर टू? आप कौन सी वेबसाइट रिफर करोगे अगर आपको फ्रेंड्स बनाने हैं तो? ये तो सबको पता है भैया, फेसबुक यूज़ करेंगे हम, बाकी HDFC बैंक वगैरह तो नहीं यूज़ होगा। और यहाँ पे देखेंगे, द हार्ड डिस्क सरफेस इज स्क्रैच एंड सम और ऑल ऑफ द डेटा इज डिस्ट्रॉय व्हेन देर इज़ अ हेड क्रैश। दोस्तों हेड क्रैश अगर होता है तो डेटा डिस्ट्रॉय होता है, या फिर वो जो होता है हार्ड डिस्क का डेटा आपको मिलने वाला नहीं, स्क्रैच हो जाता है। तो हेड क्रैश होने के बाद पूरा क्रैश होता है, डेटा आपको रिकवर नहीं होता है। तो यहाँ पे हेड क्रैश इसका आंसर है। द सीरीज ऑफ डॉट्स दैट फॉर्म ऑन इमेज ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड, इमेज के ऊपर जो डॉट्स की सीरीज रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं दोस्तों। मतलब इमेज जो बनती है वो पिक्सल से बनती है, आपको पता रहेगा। तो यहाँ पे इमेज मॉनिटर के ऊपर जो आती है वो पिक्सल से बनती है, इसलिए उसको डॉट सीरीज को पिक्सल बोला जाता है। एवरी टाइम द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टार्टेड द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स दिस इनटू द मेमोरी। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लोड करता है मेमोरी के अंदर? मेमोरी के अंदर आपको पता रहना चाहिए वो डिवाइस ड्राइवर्स लोड करता है। यस, डिवाइस ड्राइवर्स लोड करता है। जब भी कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे लोड होते हैं, सबमिट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द कीबोर्ड कीज दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड, जिसके ऊपर कीबोर्ड पे मतलब कीबोर्ड जो कीज है उसके ऊपर एरोज होते हैं, ऐसी कीज कौन सी होती है? तो वो जो कीज़ है वो एरो मतलब नेविगेशन से, यार नेविगेशन याद रखना है यहाँ पे दोस्तों। एरो मतलब नेविगेशन कीज़, एरोज रहते हैं तो नेविगेशन, और F1 to F12 रहते हैं तो फंक्शन कीज़, टाइपराइटर मतलब ABCD वगैरह, और स्पेशल प्रपोज मतलब जैसे कि हमें पता है स्पेशल प्रपोज कंट्रोल वगैरह, शिफ्ट वगैरह स्पेशल प्रपोज कीज़ होती है। फिलहाल ये नेविगेशन कीज़ है, ये याद रखना है और सबमिट कर देना है। और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ज़्यादातर हार्डवेयर से रहते हैं, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव का एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाला मेरे चैनल पर, जल्दी मैं अपलोड करूँगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि वो हार्डवेयर से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव समझ कि अगर आप करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि वैसे हार्डवेयर डायरेक्टली आप रट्टा मारोगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर के पार्ट्स, हार्डवेयर के रैम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सारी चीजें मैं उसमें बताने वाला हूं। आगे चलते हैं अभी हम। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द एबिलिटी टू स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस दिस कॉल्ड। तो अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस में आपको स्विच होना है तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एबिलिटी रहता है एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में स्विच होने के लिए वो कौन सा रहता है? वो रहता है मल्टीटास्किंग। मतलब एक से ज़्यादा दूसरे एप्लीकेशंस आप एक साथ आप दूसरे एप्लीकेशंस वर्क कर सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, बाद में टाइपिंग भी कर सकते हैं साथ में, ये सारी चीज़ें होती है, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ऑन हार्ड डिस्क ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू इनविजिबल वेज सेफ सेक्शन इज कॉल्ड। वेज सेफ सेक्शन में जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं सेक्टर्स। हार्ड डिस्क के ऊपर जो वेज सेफ सेक्शंस होते हैं वो सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक के ऊपर वो बनते हैं, इसलिए इसे सेक्टर्स बोला जाता है। और आगे है, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दिस नोड दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम द अदर नोड्स। ये कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो नोड ऐसा है कि दूसरे रिसोर्सेज जो अवेलेबल रहते हैं दूसरे सोर्स पे वो यूज़ कर सकता है, उसको क्लाइंट नेटवर्क बोलते हैं या क्लाइंट नोड बोलते हैं। क्लाइंट नोड इसलिए क्योंकि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे ये फाइल एक्सेस करनी, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल सर्वर की फाइल आपके पास आती है, यानी कि क्लाइंट नोड आपका यहाँ पे क्या होता है, एक नोड ऐसा नोड है कि जो रिक्वेस्ट भी करता है, दूसरे के रिसोर्सेज अवेलेबल करता है अगर वो अवेलेबल है वहाँ पे, मतलब फिर आपको अगर अलाउ है वो फाइल एक्सेस करना तो क्लाइंट नोड वो एक्सेस कर सकता है। तो चलिए, डैश आर स्पेशलाइज्ड डिजिटल वीडियो कैमराज दैट कैप्चर इमेजेस। ऐसा कौन सा है डिजिटल स्पेशल कैमरा? वो है वेब कैम्स दोस्तों, जो कैप्चर इमेजेस के लिए होता है, सबको पता है ऑलरेडी ये वेब कैम होता है। फिलहाल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर
कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टू डिस्क्राइब मेमोरी कैपेसिटी एक्सेप्ट. इसमें से दिए गए सब यूनिट मेमोरी कैपेसिटी के लिए होते हैं एक छोड़ के, एक्सेप्ट दिस वन. तो मेमोरी के लिए ये नैनोबाइट ये यूनिट नहीं यूज होता. आपने टेराबाइट सुना होगा टीवी, आपने जीबाबाइट और आपने मेगाबाइट भी सुना होगा, लेकिन आपने नैनोबाइट नहीं सुना होगा. तो ये नैनोबाइट को हम साइड में हटा देते हैं और इसे ही सबमिट कर देते हैं. डिस्क क्लीनअप, फाइल कॉम्प्रेशन एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एक यूटिलिटी के दोस्तों. तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ यूटिलिटी, और यूटिलिटी पे क्लिक करके इसे मैं करता हूँ सबमिट. यूटिलिटी है ना ये सब, फाइल कॉम्प्रेस करना या डिस्क डीफ्रेगमेंटर यानी फाइल को रीअरेंज करना यानी फाइल को क्लीन करना यानी डिस्क क्लीनअप. तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटी में आती है, इसलिए यूटिलिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इंटरनल हार्ड डिस्क. इंटरनल हार्ड डिस्क में क्या होता है? फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है, वेरिएबल अमाउंट स्टोरेज होता है, पोर्टेबल होता है, स्लो होता है. नहीं, फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है. यहाँ पे इंटरनल हार्ड डिस्क के बारे में ये ट्रू है, याद रखो. ये एचडीडी के बारे में पूछा है, एसएसडी के बारे में नहीं पूछा. अब एसएसडी क्या होता है इसका टेक्निकल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मैं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करता हूँ. और अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल पर एचएसडी एसएसडी सारी चीज़ें मिलेंगी आपको आगे वीडियो में दोस्तों. फिलहाल ये सबमिट कर देता हूँ. द कैटेगरी ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन आप पहुँच गए एंडिंग तक, वेरी गुड. The category of operating system used for handheld devices is. Handheld devices में कौन सी operating system रहती है? अपने mobile में कौन सी operating system रहती है? Handheld मतलब mobile यार, simple है ये, पता नहीं इतने complex word MKCL वाले क्यों बना देते, शायद उनको आपको confusion में डालना रहता है. Mobile में कौन सी operating system ये रहती है, systems रहती है? उसमें रहती है embedded operating system दोस्तों. जी हाँ, embedded operating मतलब आपको operating system डालने की जरूरत नहीं रहती, पहले से रहती है. और वो बस आप application उसमें डाल देते हैं आपको जो चाहिए वो, जैसे WhatsApp वगैरह 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 वगैरह. तो चलिए ये सबमिट कर देते हैं. ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन. राइट साइड में टेबल में हम देख सकते हैं दोस्तों, वाओ, कंप्लीट कर चुके हम पूरे क्वेश्चन, जो कि रेड में रिमेनिंग में आपको दिख रहा है 0000. वाओ, अगर ऐसा आप एग्जाम में टाइम के पहले कर देते, मेरे पास 7 मिनट और भी बाकी है, तो मैं अभी टाइम पास कर लूंगा. नहीं, मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं एंड एग्जाम कर देता हूं दोस्तों. उम्मीद करता हूं ये पसंद आएगा. लेकिन हमारे मार्क्स तो चेक करते हैं पहले, एंड एग्जाम ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, और 50, वाओ, आपको मिले हैं पूरे 50 मार्क्स दोस्तों. ओके, तो ये मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए. आप एनालिसिस में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो, मतलब मैं चेक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये टूल्स अवेलेबल है. आप अगर आपके कंप्यूटर क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जरूरी ये डेमो मिल जाएगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल आप दोनों भी प्रोसीड करके चेक कर सकते हैं कि आपने करेक्ट किए कि नहीं किए. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिए हैं, सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पे करेक्ट कर लिए. सो कैसा लगा दोस्तों ये MSAT फाइनल एग्जाम का डेमो? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी इसे लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, और लाइक किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. जिनकी MSAT एग्जाम है उनको पता चलने दीजिए कि MSAT के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके रखे. और उम्मीद करता हूँ आप मेरे बाकी भी कंप्यूटर ट्रिक्स के वीडियोस देखेंगे जो कि आपको काफी काम आ जाएंगे. मैंने एक्सप्लेन करने की वहां पे भी अच्छी तरह से कोशिश की है. तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो. मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा. बाय बाय.